हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 6 सी लैंग्वेज इन हिंदी, और इसमें सीखने वाले हैं डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। ओके, तो दोस्तों इस लेसन में सीखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे यूज़ करना है। ओके, तो इतनी चीज़ें हम सीखेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल में इस लेसन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल कंटेन। ओके, वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा होगा या फिर होना चाहिए, यह डेटा टाइप डिफाइन करता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डेटा एंटर करेंगे। कुछ डेटा ऐसा होगा कि डिजिट होगा 10, 20, 30। ओके, कुछ डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होंगे 3.14 या ऐसा कुछ, कुछ कैरेक्टर होंगे या कुछ स्ट्रिंग भी हम एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो ये सब डेटा है। ओके, और सभी डेटा के कुछ ना कुछ टाइप होते हैं, उसे बोलते हैं डेटा टाइप। ओके, और ये सब वैल्यू लेने के लिए हमें डेटा टाइप और वेरिएबल की ज़रूरत होती है सी लैंग्वेज के अंदर, या कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें डेटा टाइप, वेरिएबल, ये सभी कंसेप्ट आएंगे। ओके, तो डेटा टाइप मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल कंटेन। वेरिएबल के अंदर कौन सा टाइप का डेटा होगा, ये डेटा टाइप के बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई हाउ वी एंटर डेटा इनटू आवर प्रोग्राम्स एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी एंटर। ओके, डेटा टाइप के ऊपर से हमें मालूम पड़ता है कि वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा एंटर करना है। ओके, तो ये होता है डेफिनेशन, ये होता है डेटा टाइप, इसकी ये डेफिनेशन है। डेटा टाइप मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल कंटेन। ओके, एंड डेटा टाइप स्पेसिफाई हाउ वी एंटर डेटा इनटू आवर प्रोग्राम्स एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी एंटर। ओके, टाइप ऑफ डेटा टाइप, तो डेटा टाइप के भी टाइप होते हैं। ये देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के अंदर ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सब प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप है। ओके, और डिराइव डेटा टाइप, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, ये सब सी लैंग्वेज के अंदर डिराइव डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड यानी कि जो यूज़र क्रिएट करेगा डेटा टाइप, उसे बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो उसके अंदर आएगा स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो ये अभी आपको मालूम नहीं होगा कि स्ट्रक्चर यूनियन क्या है, पर अगले कुछ लेसन में हम उसको दिखाएंगे कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और यूनियन किसे कहते हैं। ओके, तो अभी के लिए याद रखिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर है। इंटीजर यानी कि आप डेसिमल पॉइंट के बगैर वैल्यू एंटर कर सकते हो, 10, 20, 30, ये सब इंटीजर में आता है। कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब क्या है कि आप सिंगल कैरेक्टर एंटर कर सकते हो। फ्लोट और डबल का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट वाला नंबर आप उसमें एंटर कर सकते हो। वर्ड का मतलब क्या है कि वो एक रिटर्न टाइप है फंक्शन के लिए। ओके, वो आगे आएगा। डिराइव डेटा टाइप यानी कि फंक्शन, एरे एंड पॉइंटर, ये डिराइव डेटा टाइप है। उसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा वैल्यू इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डिराइव डेटा टाइप। ओके, ऊपर जो प्राइमरी डेटा टाइप है ना, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो उसमें एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती है, और डिराइव डेटा टाइप में मल्टीपल वैल्यू सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो आप। ओके, और यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र क्रिएट करेगा वो होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो ये है टाइप ऑफ डेटा टाइप। देन मेमोरी साइज एंड रेंज ऑफ बेसिक डेटा टाइप। ओके, ये देखिए, इंटीजर जो डेटा टाइप है उसके लिए 2 byte मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके, मेमोरी के अंदर 2 byte जितनी स्पेस ये इंटीजर डेटा टाइप को मिलती है। फ्लोट के लिए 4 byte, कैरेक्टर के लिए 1 byte और डबल के लिए 8 byte की स्पेस मिलती है। ओके, सी लैंग्वेज के अंदर, तो हर एक लैंग्वेज के अंदर ये अलग अलग होता है। और 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम हो या 64-bit
ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उसके हिसाब से भी ये नंबर चेंज होते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 32,768 -2+। ओके, तो ये इंटीजर डेटा टाइप की रेंज है। ओके, -32,768 -2+। ओके, +32,767, तो उसके बीच की वैल्यू आप डाल सकते हो इंटीजर वेरिएबल के अंदर। ओके, तो ये इसकी रेंज है। फ्लोट के लिए ये रेंज है, डबल के लिए ये रेंज है। फ्लोट और डबल दोनों में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू एंटर होती है, पर उसकी रेंज में डिफरेंस है दोनों की। डबल की रेंज ज़्यादा है, फ्लोट की रेंज कम है। ओके, ये देखिए मेरे नीचे लिखा है, वो कैरेक्टर जो होता है ना, उसकी रेंज सिंगल कैरेक्टर ही उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, तो उसकी कोई रेंज यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है। ओके, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा। यहाँ पर देखिए, इंटीजर मीन्स वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है 3, 6, 12, 39, तो ये सब वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। ओके, तो इंटीजर टाइप का आप वेरिएबल जो क्रिएट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बगैर वैल्यू एंटर कर सकते हो। यदि आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं फ्लोट टाइप का, ओके, मतलब फ्लोट डेटा टाइप होगा, तो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू एंटर कर सकते हो, मतलब 3.14, 5.7 एट्सेट्रा। ओके, तो इंटीजर के लिए डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, डेसिमल पॉइंट बगैर की वैल्यू, और फ्लोट के लिए डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू। ओके, वैल्यू विथ डेसिमल पॉइंट। ओके, तो ये है मेमोरी साइज एंड रेंज ऑफ बेसिक डेटा टाइप। ओके, रेंज आपको यदि याद रखना हो तो रख सकते हो, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी जो मेमोरी साइज़ है वो आप याद इजीली रख सकते हो, इंटीजर के लिए 2 byte 4 1 8 double के लिए। ओके, नाउ तो ये होता है डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप, व्हाट टाइप ऑफ डेटा शुड वेरिएबल कंटेन। ओके, तो ये है डेटा टाइप की डेफिनेशन। फिर उसका टाइप, प्राइमरी डिराइव एंड यूजर डिफाइंड, और ये उसकी रेंज है। ओके, तो डेटा टाइप में इतना ही था सी लैंग्वेज के अंदर। अब देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम गिवन टू अ मेमोरी एरिया वेयर वैल्यू इज स्टोर। मतलब कि जब भी हम वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगी, और उसका नाम जो होता है ना वो वेरिएबल कहलाता है। ओके, यानी कि वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी एरिया वेयर वैल्यू इज स्टोर। साइज ऑफ वेरिएबल डिपेंड ऑन डेटा टाइप। ओके, वेरिएबल की साइज किसके ऊपर डिपेंड है, डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड है, कि कौन से टाइप का वो वेरिएबल बनाया आपने। वी कैन क्रिएट वेरिएबल यूजिंग डेटा टाइप। अगर आपको वेरिएबल कोई भी बनाना हो तो डेटा टाइप का लिखना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल डिपेंड ऑन डेटा टाइप, वो भी डेटा टाइप पे डिपेंड है। यदि इंटीजर टाइप का वेरिएबल आपने बनाया तो इंटीजर वैल्यू ही आप स्टोर कर सकते हो। यदि आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया तो फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू ही आप उसमें स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेटा टाइप इज इंटीजर देन वेरिएबल शुड स्टोर इंटीजर वैल्यू। ओके, यदि इंटीजर वेरिएबल बनाया तो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे आप, यदि फ्लोट बनाया तो फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी उसके अंदर। तो ये होता है वेरिएबल। अब उसकी सिंटेक्स देखेंगे हम, और एग्जाम्पल उसे बोलेंगे हम वेरिएबल क्रिएशन प्रोसेस। तो सिंटेक्स में क्या लिखा है ये देखिए, डेटा टाइप सबसे पहले लिखना होगा आपको, वेरिएबल नेम एंड सेमीकोलन। यानी कि ये देखिए, इंटीजर ए, तो int क्या है, वो डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। ओके, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाने के लिए डेटा टाइप लिखना होगा, उसके बाद स्पेस एंड वेरिएबल नेम सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। ये इसकी सिंटेक्स है, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। ओके, ये इंटीजर ए, फ्लोट पाई, तो पाई
फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हैं, कैरेक्टर सी एच, ओके, कैरेक्टर नेम 30, तो इस तरीके से आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाएंगे, ओके। और वेरिएबल एग्जांपल, ओके, तो इसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ओके। जो हम वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से इंटीजर ए, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। पर जब आप वैल्यू असाइन करते हो कोई भी वेरिएबल को, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल डेफिनेशन, ओके। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन दोनों क्या हैं? यदि आप सिर्फ वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। यदि आप वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, तो उसे बोलेंगे हम वेरिएबल डेफिनेशन, ओके। तो इस तरीके से आप वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हो यूजिंग इज इक्वल टू ऑपरेटर। ये देखिए, इंटीजर नंबर इक्वल टू 10, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। तो पाई वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की, यहाँ पर सी एच को वैल्यू असाइन की, यहाँ पर कैरेक्टर नेम 30 इज इक्वल टू हेलो, डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, ओके। तो सी लैंग्वेज के अंदर क्या है, यदि आपको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करानी है, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो आपको कैरेक्टर वेरिएबल बनाना है और ब्रैकेट में उसकी साइज देनी है कि मैक्सिमम इस वेरिएबल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, ओके। मैंने यहाँ पर 30 लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 30 कैरेक्टर यहाँ पर डबल कोटेशन में आप लिख सकते हो, ओके। आप अपना नाम लिखना चाहो वेरिएबल के अंदर, या फिर एड्रेस स्टोर करना चाहो, तो आप कर सकते हो यूजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये चार वेरिएबल बेसिक वेरिएबल है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर देंगे, कैरेक्टर की वैल्यू कैसे दे सकते हैं हम सिंगल कोटेशन का यूज करके, ये आपको याद रखना है, ओके। तो चलिए मैं एक आपको एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ, वेरिएबल का एग्जांपल, ओके, डेटा टाइप का और वेरिएबल दोनों का। यहाँ पर सी ड्राइव में हमने इंस्टॉल किया है टर्बो C3, ओके। यहाँ पर आपको डोज बॉक्स मिल जाएगा, ये रन क्यों नहीं होता है, ओके। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन किया और हेलो डॉट सी जो मैंने बनाया था प्रोग्राम, उसी को ओपन करता हूँ, ओके। ये देखिए प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्या आता है, हैज इंक्लूड stdio.h। stdio किस लिए, क्योंकि हमें printf का यूज़ करना है, ओके। और conio किस लिए, क्योंकि हमें ये clrscr और gtch का यूज़ करना है, ओके। तो ये सभी फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर। clrscr स्क्रीन को क्लियर करता है, printf जो कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लाने के लिए यूज़ होता है, और gtch जो आउटपुट को होल्ड करेगा, उसका मतलब है गेट द कैरेक्टर, ओके। जब तक आप कैरेक्टर एंटर नहीं करेंगे, कोई की प्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो आपको आउटपुट दिखाता रहेगा, ओके। ये देखिए वेरिएबल कैसे बनाना है, तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होगा, उसके बाद नंबर इक्वल टू 10, ओके। तो इस तरीके से वेरिएबल हम बना सकते हैं, कैरेक्टर सी एच इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर, ओके, देन फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, ओके। तो इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। और यदि आपको वेरिएबल डिस्प्ले करने हैं स्क्रीन के ऊपर, तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू, मैं ऐसे लिखता हूँ परसेंटेज डी, ओके, कोमा करके यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल देंगे हम। तो जब भी हमें इंटीजर वेरिएबल डिस्प्ले करना हो,
तो क्या यूज़ करेंगे हम, परसेंटेज डी यूज़ करेंगे, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल के लिए। और एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ सी एच इक्वल टू परसेंटेज सी। ओके, तो जब भी कैरेक्टर वेरिएबल हो तो परसेंटेज सी आपको लिखना होगा उसको डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि सी एच वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी, नंबर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इंटीजर वेरिएबल हो तो परसेंटेज डी आएगा, कैरेक्टर के लिए सी आएगा। इसी तरीके से जो फ्लोट वेरिएबल है पाई, तो उसके लिए परसेंटेज एफ आएगा। ओके, वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हो यूजिंग प्रिंट एफ। आपको सिंटेक्स याद रखनी है कि ये डबल कोटेशन एंड होने के बाद कॉमा करना है और फिर वेरिएबल यहाँ पर लेना है। ओके, अब हम रन करेंगे, रन करने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करना है। ओके, ये देखिए आउटपुट आया, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ सी एच, वैल्यू ऑफ पाई। उसको न्यू लाइन में लाने के लिए हमें करना होगा स्लैश एन। ओके, स्लैश एन स्पेशल कैरेक्टर है एक, ओके, उसका यूज़ करके आप न्यू लाइन में आउटपुट ला सकते हो। ये देखिए वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ सी एच, वैल्यू ऑफ पाई। ओके, और यदि स्ट्रिंग वेरिएबल डिस्प्ले करना है, ये देखिए कैरेक्टर नेम 30 इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। ओके, तो ये बन गया हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल, उसको डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ लिखना होगा। डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ यूज़ होता है, ये हमेशा याद रखिए। वैल्यू ऑफ नेम इक्वल टू परसेंटेज एस लिखना होगा आपको। ओके, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए परसेंटेज एस। ओके, देखिए आउटपुट आया, वैल्यू ऑफ नेम इक्वल टू हेलो। ओके, तो दोस्तों इस लेसन में सीखा कि डेटा टाइप क्या है। ओके, ये देखिए इंटीजर नंबर लिखा है, यानी कि नंबर वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर। तो आपको मालूम पड़ गया कि नंबर वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है, तो उसके अंदर डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से सभी वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डेटा टाइप। ओके, और प्रिंट एफ का यूज़ करके ये याद रखना है आपको, परसेंटेज डी इंटीजर के लिए, परसेंटेज सी कैरेक्टर के लिए, एफ फॉर फ्लोट एंड एस फॉर स्ट्रिंग। ओके, तो इस लेसन में इतना ही, अगले लेसन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।